यहाँ पे बैठ के काम कर रही थी, मेरे साथ एक और सिस्टर है वो वार्ड में पेशेंट का काम कर रही थी, तभी वो अचानक आया, आके डोर में से कुछ सामान ढूंढने लगा। तो मैंने उसको बोला कि भाई आपको क्या चाहिए, तो वो उसने डायरेक्ट ही बोला कि मेरे को गन चाहिए, गन ढूंढ रहा हूँ मैं। संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल के फीमेल सर्जिकल वार्ड में हंगामा मचाने वाले युवक को पुलिस ने आखिर किया गिरफ्तार। कैंची लेकर लोगों को मारने के लिए दौड़ रहा था युवक, काफी देर तक वार्ड में रहा दहशत का माहौल। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के फीमेल सर्जिकल वार्ड में उस वक्त दहशत का माहौल पैदा हो गया जब एक युवक हाथ में कैंची लेकर लोगों और नर्सिंग स्टाफ को मारने के लिए इधर उधर दौड़ता रहा। आखिर युवक ने अपने आप को वार्ड के नर्सिंग कक्ष में बंद कर लिया और वहां फायर एक्सटिंग्विशर सहित अन्य सामानों को तोड़ने फोड़ने लगा। आखिर जेएलएन अस्पताल की पुलिस चौकी को सूचना दी गई, जहां से आए पुलिसकर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद उपद्रवी युवक को अपनी हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि युवक का जेएलएन अस्पताल में ही इलाज चल रहा था और वह मानसिक अवसाद में था और ऊल जुलूल हरकतें कर रहा था। वार्ड की सिस्टर द्वारका मीणा और सुमन ने बताया कि वह नर्सिंग कक्ष में घुस गया और ड्रॉस खोलकर गन मांगने लगा। उसके हाथ में पहले से ही कैंची थी जिससे वह मारने की धमकी देने लगा, जिसके बाद वे दूसरे कक्ष में चली गई और अपने आप को बंद कर लिया। हम दोनों सिस्टर यहाँ बैठे हुए थे, एक पेशेंट ओटी से आया, मैं उसको देखने गई थी, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मैं जैसे वार्ड में पहुँचा वो अंदर बाहर से अंदर आ गया, मुझे नहीं पता था कि वो अटेंडर है। सिस्टर मुझे आवाज़ दे रही थी, मेरे को सुनाई नहीं थी। फिर उसने बाहर से अंदर से गेट लॉक कर दिया। सिस्टर इधर बैठी थी, सिस्टर मुझे आवाज़ लगा रही थी, लेकिन फिर सिस्टर भी इधर से गेट लगा के अंदर चली गई। गार्ड को आवाज़ दी, लेकिन इस बिल्डिंग में कोई गार्ड ही नहीं था। गार्ड होना चाहिए, हर बिल्डिंग में गार्ड होना चाहिए। मैं वहाँ तक गई, बाहर तक कोई गार्ड ही नहीं था। मेटन ऑफिस में कालूराम बोस को फोन किया, इसने हथियार यहाँ से उठाया, अब हम जहाँ ड्यूटी रूम है ना वहाँ से उठवाया। मैं यहाँ पे बैठ के काम कर रही थी, मेरे साथ एक और सिस्टर है वो वार्ड में पेशेंट का काम कर रही थी, तभी वो अचानक आया, आके डोर में से कुछ सामान ढूंढने लगा। तो मैंने उसको बोला कि भाई आपको क्या चाहिए, तो वो उसने डायरेक्ट ही बोला कि मेरे को गन चाहिए, गन ढूंढ रहा हूँ मैं। तो फिर उसने मैंने डोर को वापस बंद करा तो वो खड़ा हो गया, खड़ा होकर फिर ये नीचे लॉक लग रहा, लॉक को तोड़ने लग गया। फिर जैसे ही मैं खड़ी तो बोले यहाँ से हिलेगी नहीं, मैं मार दूंगा वरना मैं गन ढूंढ रहा हूँ, ऐसे करके फिर जैसे वो गेट बंद करने लगा फिर मैं पीछे चली गई थी। फिर हमने पीछे वाला गेट बंद कर लिया, उसने अंदर से ये गेट बंद कर लिया, फिर ये सामान ये देख रहे बाद गेट बंद करने के बाद कैंची वैची तो वो बाहर से लेके आया था हाथ में, उसके हाथ में पहले से ही थी कैंची। वही वार्ड में भर्ती मरीजों के अटेंडेंट में भी हड़कंप मच गया और वह इधर उधर भागने लगे। अटेंडेंट शीतल, प्रेम सिंह, यशोदा और खैरून नेसा ने बताया कि उपद्रवी युवक हाथ में कैंची लेकर लोगों को डरा रहा था, जिसकी वजह से सभी लोग दहशत में आ गए और वार्ड में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आखिर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया, जिसके बाद कहीं जाकर वार्ड में शांति का माहौल कायम हुआ। ये कैंची लेके ये यहाँ बजा रहता और फिर इसको लेने लग गया, फिर उधर चल गया वो, सब घबरा के सब बाहर निकल गए हम। हाँ बस ये देखा मैंने तो, और तो सारी पब्लिक आ गई थी। फिर यहाँ पे मैं तो यहाँ पर मेरा बच्चा भर्ती है, तो मैं उसको यहाँ पर भीड़ हो रही थी, जब मैं देखने आया तो यहाँ पर उन्होंने कैंची लेकर ने सब जगह घूम रहा था और ये दार उठाई, उसको कैंची से जो खोला उसने और ये इसको तोड़ने लगा था और हंगामा मचा रहा, कभी उधर जा रहा कभी इधर जा रहा था और खोल ही नहीं रहा था गेट। तो किस तरह से आपको दहशत हो रही थी कि बच्चों को भी, आपके बच्चे भी वर्दी के अंदर? मेरा बच्चा तो उधर है आईसी रूम के अंदर है। मरीज है ना बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे, तो हमारे लिए कैंची नहीं मार दे। जब मैं यहाँ वार्ड में थी तो मैंने उस टाइम पे देखा ये जैसे अंदर आया था वार्ड में, मैं मेरे बेटे को लेके बाहर खड़ी थी, फिर मैं बाहर से अंदर गई तो देखा नर्स चिल्ला रही थी अंदर। फिर मैंने उसे पूछा सिस्टर क्या हुआ, उन्होंने बोला कि जैसे अंदर घुस गया, तो कैंची वगैरह उसके हाथ में थी। तो मैं अंदर मैं गार्ड्स को बुलाना आई नीचे, तो गार्ड्स कोई भी नहीं मिला मेरे को, तो मैंने आप मिले मेरे को, मैंने आपको अंदर लाई, मैं क्या आप चलो सर मेरे यहाँ पे नीचे कोई है बॉयस, तो उसको निकाला भी आप लोगों ने। गार्ड्स तो एक मिला था, वो कह रहा था मेरा चिल्ड्रन वार्ड में मेरा तो ड्यूटी, वो आए नहीं, और नीचे मैंने स्टाफ को बोला, वो कह रहे मेरे को पता ही नहीं, मैं क्या आप कोई कॉल कर दो किसी को, तो कोई भी नहीं आया जी। वो एक आदमी घुस गया था अंदर, वो उनकी मतलब नर्सों से कोई तुम्हें में हो गई थी, तो बोला मैं सारी नर्सों को मार दूंगा, कैंची लेके घूम रहा था वो इतनी देर से और अंदर घुसे जा रहा था हमारे वार्ड के अंदर, हमने नर्स मैडम को भी अंदर कर लिया था। फिर यहाँ के वो गार्ड हैं कपिल भाई, उनको कॉल किया हम लोगों ने,
उनको ऊपर बुलाया, वो दो चार गार्डों को लेकर के आए यहाँ पर और हमने यहाँ बीच का दरवाज़ा तोड़ा और तोड़ करके अंदर पुलिस को भिजवाया। बहुत ज़्यादा दहशत लग रही थी, बच्चे हमारे रोने लग गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। हाँ जी, गैस की टंकी खोली उसने और बहुत उत्तम मचा रहा था, दहशत नुमा कर दिया, बच्चों के ऊपर भी हमला बोलने वाला था वो। मेरे दो दो नवासे भी थे मेरे साथ में, मैं पेशेंट हूँ यहाँ की, ऑपरेशन करवाने के लिए आई हूँ मैं।